सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं राइड ऑन एयर सस्पेंशन सीट की। राइड ऑन में बहुत सारे सीट के वर्जन आते हैं, तो ये जो मॉडल मैंने परचेस किया है ये है क्रूज़र अल्फ़ा, जिसकी MRP है 2500 रुपये और ये मुझे पड़ी है 1499 रुपये की, जो कि मैंने राइड ऑन की ही वेबसाइट से परचेस की है। ये रहा बॉक्स, सामने आप देख पा रहे हैं राइड ऑन एयर की ब्रांडिंग है, और इस साइड देखें तो ये नो मोर नम बम ये लिखा हुआ है हैशटैग के साथ। तो चलिए सीट को बाहर निकाल लेते हैं। सो ये रही हमारी एयर सस्पेंशन सीट। और ये रही यूजर मैनुअल, तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये सब लिखा हुआ है, डू नॉट इन्फ्लेट द कुशन फुली लाइक अ बैलून। तो इसमें गुब्बारे की तरह हमें हवा नहीं भरनी है, 50% या 60% ही इसमें हम एयर भरते हैं ताकि ये अच्छे से वर्क करे। और पीछे भी हमें कुछ डिटेल देखने को मिल जाती है। और ये रही इसकी स्ट्रैप्स, जो कि स्ट्रेचेबल होती हैं और एडजस्टेबल भी होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमें यहाँ पे पंप देखने को मिल जाता है, तो इसको खोलते हैं फिर मैं आपको इसका पंप दिखाता हूँ। ये रहा इसका पंप, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ इस तरह से प्रेस करेंगे और एयर फिल होगी। तो अब इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो यहाँ पे एक सॉफ्ट टाइप का फैब्रिक यूज़ किया गया है जो कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से, बट बरसात के टाइम में यहाँ पे दिक्कत हुई क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब इसकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे पीछे डॉटेड वाला रैगजीन हमें देखने को मिल जाता है जो कि ग्रिप अच्छी तरीके से बनाए रखेगा। तो बात करते हैं अपने मेन मटेरियल की, जो कि ये है हमारा एयर कुशन। और ये आप पाइप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये एक पंप में कनेक्ट है, यहाँ पंप को मैं प्रेस करूँगा और ये इस तरीके से एयर जो है फिल हो जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हैं ये जो एयर है वो फिल हो चुकी है, जो अंदर के बैलून है वो आप देख पा रहे हैं ये अच्छी तरीके से फिल हो गई है। और इसमें जो चैन है ये भी YKK की है, ये आप देख सकते हैं YKK की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी क्वालिटी की चैन है। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसको दबाएंगे और एयर हमारी कम हो जाएगी। और इसका पंप दिखाऊं मैं आपको, तो ये रहा इसका एयर पंप जिसकी मदद से हम इसमें एयर फिल करते हैं। और अब देखते हैं इसके अंदर वाला मटेरियल, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे एयर कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं जिनमें एयर फिल होती है। और ये जो आप पाइप देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ पे अटैच है, इसके कारण मैं इस सीट को पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो अंदर का मटेरियल मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये मेरी है फिगो फ्लोट की सीट, जो कि मैंने 2018 में शायद परचेज की थी। तो अंदर का मटेरियल कुछ इस तरीके से होता है, ये छोटे छोटे जो बैलून देख पा रहे हैं इनमें एयर फिल हो जाती है। तो इस वाली सीट में क्या दिक्कत थी कि ये थोड़ी चौड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम से कम 2-3 सेंटीमीटर ये चौड़ी है। यहाँ पे अपन नाप के देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कम से कम 2-2.5 सेंटीमीटर ये वाइडर है। तो आप देख पा रहे हैं ये इसका जो बॉटम है ना, ये यहाँ पे नैरो है और ये स्टार्टिंग से ये थोड़ी चौड़ी है। तो इस दिक्कत की वजह से अपन ने ये न्यू सीट परचेज़ की है। और इसका चलो वाटरप्रूफ टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये डाल रहे हैं अपन थोड़ा सा पानी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी इसने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है और कम से कम ये सूखने में 1-1.5 घंटा लगाएगी। तो यहाँ पे हमें रेन कवर यूज़ करना रहेगा, जो कि हमें अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। तो चलिए बाइक में करते हैं इसको इंस्टॉल। तो ये रही मेरी बाइक और ये आप देख पा रहे हैं ये फिगो फ्लोट सीट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसमें ना काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा जो रैगजीन है इसमें स्क्रैच आप देख सकते हैं, और ये जो इसकी स्टेप्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा ढीली हो गई हैं। तो अब चलिए सीट को खोलते हैं और पुराने वाली सीट को हम अलग कर लेंगे। और इसकी आप स्टेप्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ढीली हो चुकी हैं। तो चलिए अब करते हैं न्यू वाली सीट को इंस्टॉल। सबसे पहले मैं स्ट्रैप्स को खोलना रहेगा इस तरीके से, और ये लॉक हम इस तरीके से लगा देंगे। इस
सेम प्रोसेस हमें दूसरी वाली स्टेप के साथ भी करना है। और अब स्टेप्स को अपनी सीट की चौड़ाई के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लॉक कर लेना है। सेम प्रोसेस दूसरी वाली स्टेप के साथ भी करनी है। तो ये हमारी राइड ऑन एयर सस्पेंशन सीट माउंट हो चुकी है। तो अगर आप भी लॉन्ग राइड करते हैं या बाइक के सस्पेंशन से परेशान हो चुके हैं तो आप ये सीट ज़रूर इंस्टॉल करा सकते हैं। ये सीट 40% तक जर्क को रिड्यूस करती है। और इस वाली सीट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें ये पंप हमें देखने को मिल जाता है, जिससे हम यहीं से इसमें हवा भर सकते हैं और यहाँ से हम एयर को रिलीज़ भी कर सकते हैं। वरना पुराने वाली सीट में दिक्कत थी कि इसमें चैन खोलो और इसमें मुँह से हवा भरनी पड़ती थी। तो भाई 1500 के हिसाब से इससे बेटर सीट आपको नहीं मिलने वाली। और परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।